बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमीर रेशम किचन। मैं हूं आपका शेफ़ अमीर बख्श। आज जो मैं अपने बहनों और भाइयों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रहा हूं वो है सेवैयाँ। तो सेवैयाँ ये ड्राई सेवैयाँ आती है, एक आती है मिल्क वाली, एक आती है ड्राई सेवैयाँ। तो ये मैं इनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, ये देखें कुकिंग ऑयल, 4 अदद इलायचियाँ, चीनी, ये कुछ मैंने पानी रखा है, और ये सेवैयाँ। तो जैसे ये ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ऐड करूँगा 4 अदद सेवैयाँ। तो सेवैयाँ से ये कि इसमें खुशबू आती है बड़ी बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़रा इसमें प्रॉपर ब्राउन हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा चीनी, चीनी के बाद इसमें मैं ऐड करूँगा पानी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा तो आप मुझे फॉलो करते रहें। ये बहुत तेज़ी से उमदा सेवैयाँ बनती हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आएंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ चीनी। तो चीनी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये तकरीबन सेवैयाँ जो है 250 ग्राम, 250 ग्राम के करीब मैंने सेवैयाँ ली हैं। तो अब ये कि चीनी जो हमारे पूरे पानी के अंदर जस्प हो जाए, घुल जाए, तो बाद में मैं इसमें ऐड करूँगा पानी। पानी के बाद सेवैयाँ, सेवैयाँ को बाद में एक 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगा ताकि सॉफ्ट हो जाए। देखें ये बिल्कुल शीरे की तरह ये चीनी जो हमारी इसके अंदर बिल्कुल घुल भी गई है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगा सेवैयाँ। ठीक है ना, सेवैयाँ को एक 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ज़रा ये कि फ्राई कर दूँगा। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा पानी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे सेवई की रंगत, तो उसकी क्वालिटी इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आएगी। बड़ी बेहतरीन उमदा लजीज बनती है। असल में सेवैयाँ पहले यही बनती थी, अब खैर ये जो मिल्क में बनाते हैं वो निकली हैं या इसके अलावा दूसरी सेवैयाँ हैं, लेकिन इससे पहले ये अमूमन ये ड्राई सेवैयाँ यूज़ होती थी। ठीक है ना, अब तो फ्रेंड मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ कुछ हद तक पानी। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। कवर करने के बाद आप लोगों के साथ दोबारा इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, आज की ये सेवैयाँ हमारी तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आएगी। इंशाल्लाह आइए आप लोगों के साथ मैं भी इसको मैं सर्व करता हूँ। टाइम इसमें एक ज़्यादा नहीं वेस्ट होता, 5 से 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी जो हमारी तैयार हो जाती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आएगी। तो आइए मैं सर्व करके और आप लोगों को दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यवस्था आइए मैं आपके साथ सर्व करके फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखें मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगे हैं ये रेसिपी बनाने में। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी मेरी आप लोग को काफ़ी हद तक पसंद आएगी, और ये सेवैयाँ किस तरीके से बनती हैं ये आप लोग ने देख लिया। छोटा सा स्टेप आप लोग भी ज़रूर करें, और इंशाल्लाह इसके बाद जो सेवैयाँ मैं बनाऊंगा वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है अपना तमाम अपने बहनों से, भाइयों से, कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे कॉमेंट करें। मज़ीद आप लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ,
आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और किसी चीज़ की भी कैटेगरी कितनी हो वो मुझे आप कमेंट करें, वो रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। किसी किस्म की भी रेसिपी हो मुझे आप कमेंट करें, तो कमेंट के अंदर इंशाल्लाह किसी रेसिपी की भी आप फरमाइश कर सकते हैं, उस हिसाब से उसकी कैटेगरी मतलब आधी के जी हो, 1 kg हो, 2 kg हो, वो मैं बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग भी ज़रूर बनाएं। तो आखिर में एक ही अपने तमाम बहनों से भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को शांत रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।